शहर हैदराबाद के शोहरत याफ्ता नेहरू जूलॉजिकल पार्क में बारिश का पानी जमा हो जाने की शिकायत पर आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हलके बहादुरपुरा के एमएलए जनाब मोहम्मद मौजम खान ने कमिश्नर बल्दिया जनाब डॉक्टर जनार्दन रेड्डी के साथ जू के सफारी पार्क का दौरा किया और पानी की निकासी के लिए बल्दिया के होदेदारों के साथ तबादले ख्याल भी किया। इस मौके पर कई मजलिसी कारपोरेटर्स जनाब मोहम्मद मुबीन, जनाब मोहम्मद मिसबाउद्दीन, जनाब मोहम्मद सलीम और सरगरम कारकुन जनाब मिर्जा रहमत बेग के अलावा कई इलाकों के सुदूर व मोतमदीन भी वहां पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के हरकियाती एमएलए जनाब जाफर हुसैन मेराज ने आज अपने इलाके के हॉकी ग्राउंड के रूबरू में अमराज दंदान के मुनफरिद टूथीस डेंटल क्लिनिक का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके साथ विजयनगर कॉलोनी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब जफर खान और मल्लेपल्ली के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद इकबाल के साथ साथ कई मजलिस के सरगर्म कारकुन भी साथ साथ रहे। शहर हैदराबाद की बल्दिया ने हालिया प्लास्टिक थैलियों के खिलाफ मुहिम में बताया कि खास तौर पर चिकन सेंटर्स और मीट शॉप्स के कारोबारी गोश्त के लाने ले जाने के लिए स्टील बॉक्सेस का इस्तेमाल करवाएं। लिहाजा खबर है कि शाहपुर नगर में वाके गगुला रामाराम चिकन सेंटर के कारोबारियों ने इस सिलसिले में पेशरफ करते हुए ग्राहकों को स्टील बॉक्सेस में गोश्त देना शुरू कर दिया और स्वच्छ मटन शॉप का एजाज हासिल करने में कामयाबी हासिल। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे इलाके के डिप्टी कमिश्नर, वेटरनरी महकुमे के डॉक्टर गोवर्धन रेड्डी और जवान श्री गजेंद्र बाबू, श्री जीलानी और श्री दुर्गेश। इनकी मौजूदगी में कुछ ग्राहकों जैसे जनाब हमीद ने उस कारोबारी को 1,000 रुपए बतौर इनाम पेश किया और दूसरे 9 ग्राहकों ने भी 10-10 टिफिन बॉक्सेस उस चिकन सेंटर के मालिकीन के हवाले किए ताकि लोग उसमें गोश्त वगैरह लाए ले जा सके। शहर हैदराबाद में जश्न मीलादुन नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम शान पैमाने पर मनाने के सिलसिले में आज कमेटी को तश्कील देने के लिए एक इजलास मुनाकिद किया गया जिसमें शामिल हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हलका कारवान के एमएलए जनाब कौसर मुईउद्दीन, मजलिस के मल्लापल्ली के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद इकबाल, विजयनगर इलाके के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स जनाब मोहम्मद वसीम और जनाब जफर खान और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुजुर्ग कारकुन जनाब मिर्जा बरकतुल्ला बेग। इस इजलास में मुत्तफिका तौर पर कमेटी के इस्तकबालिया सदर के लिए जनाब जाफर हुसैन मेराज का नाम चुना गया और एमएलए मौसूफ ने इस मौके पर सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। शहर हैदराबाद में बल्दिया ने पानी के निकासी के जो इंतजामात और प्लानिंग की है वो कैसी है आप खुद भी देख सकते हैं। पुराने शहर के फलकनुमा इलाके में रेलवे स्टेशन के पास में कुछ गरीब लोग झोपड़पट्टी में रहते बसते हैं। बारिश के भर जाने वाले पानी ने उनकी झोपड़ियों को आधे आधे हिस्से तक अपने अंदर समो लिया है। देखिए अब इस हालत में वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकेंगे। सच है आज के तरक्की याफ्ता माहौल में हमारे माशरे में इंसान की नहीं जानवरों की ज्यादा इज्जत करते देखी गई है। शहर हैदराबाद में हालिया जबरदस्त बारिश के चलते शादी खानों के इलाके बडेलागुड़ा में वाके अराफात फंक्शन हॉल तालाब में तब्दील हो गया और रोजमर्रा के सामान पानी में तैरते हुए नजर आए। खैर दौलतमंदों की बात कुछ और है, गरीब तबकात के घरों में बारिश का पानी जो घुसा था उसकी वजह से उनके घराने के सारी ही चीजें पानी में डूबकर मिलियामेट हो गई हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इसकी पाबजाई कौन करने वाला है। मलेका फर्नीचर, मेयारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलेका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश, मेयारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तेआत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेका फर्नीचर रूबरू वॉल्टा होटल मुगलपुरा हैदराबाद। शहर हैदराबाद के महकुमे आबकारी के कमिश्नर श्री चंद्रावादन ने आज मीडिया को खबर दी कि मुंबई से हैदराबाद लाकर
नकली शराब बेचने के जुर्म में एक गैंग को हिरासत में लिया गया है और उनके गोदाम पर धावा करके नकली शराब का करीब 14 लाख का जखीरा भी जब्त कर लिया गया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। शहर हैदराबाद में अरसे दराज से मुकामी लोग मिलावटी गजाई अजनास के इस्तेमाल से नित नई बीमारियों का शिकार बनकर सेहत के लिए कसीर रकम गंवा चुके हैं। वहीं बड़ी बड़ी बीमारियां उन्हें कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स बुलवा कर काट छांट करके नए नए मसलों से उन्हें दो चार कर दिया, जबकि तारीख गवाह है कि मेहनत और कसरत जिस्मानी नशोनुमा को सेहतमंद करती रही है और करती रहेगी। लेकिन सारा कसूर हमारा ही है कि हम कसरत और एक्सरसाइजेस की तरफ से तवज्जो हटा लिए हैं, जबकि हैदराबाद में कई ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं। फिर भी सारे ही लोगों की दिलजोई करने के लिए और बेहतरीन माहौल में आज शहर हैदराबाद के मूसारम बाग इलाके में वाके प्रशांत नगर में शोहरत याफ्ता आरटी ऑफिस के रूबरू एक मुनफरिद फिटनेस सेंटर फिटनेस वन यानी F1 के नाम से शुरू किया गया है। इस मौके पर F1 के मैनेजिंग पार्टनर जनाब अशफाकुर रहमान, ग्रैंड मास्टर जनाब MS जावेद, फाउंडर और डायरेक्टर स्टार कराटे क्लब मायूथाई के नेशनल कोच जनाब MI नवीद के साथ साथ शहर हैदराबाद के कसीर मौजूदीन की मौजूदगी में F1 के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब नवीद आलम ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये फिटनेस सेंटर 10,000 स्क्वायर फीट पर बहुत सारी बैन अल-अक़वामी मियार के मामलात को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रोप क्लाइंबिंग मशीन, MMA केज, म्यूथाई एंड किक बॉक्सिंग रिंग, क्रॉसफिट मशीन, प्लेट लोडेड फ्री वेट्स और सिंगल स्टेशन वगैरह वगैरह इस F1 सेंटर में वसी पैमाने पर रखे गए हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए तफरी जगहें और अक्रॉस स्विमिंग पूल इंडोर एंड आउटडोर के इजाफे के साथ इस सेंटर को बैन अल-अक़वामी मियार के मुताबिक बना दिया गया है। लिहाजा अवामुन्नास अगर एक बार इसका मुआयना कर ले तो ऐन मुमकिन है कि बहुत सारे सेहत के मसले मसाइल हल किए जा सकते हैं। जिले विकाराबाद के बंटावारम मंडल के कांग्रेस के SC/ST के सदर श्री नसीमुल्लाह ने आज मीडिया को बताया कि TRS हुकूमत रियासत में कहां कहां क्या क्या कर रही है इसका कोई पता नहीं चल रहा है, साथ ही बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके मंडल के तमाम इलाकों में ना सड़कें सही हैं और ना ही कब्रिस्तानों में कोई हिसारबंदी है। गाँव के गरीब खवातीन के लिए बैतुल खलाओं की भी बहुत ज्यादा किल्लत है। उन्होंने सवाल किया कि SC/ST क्या सिर्फ वोट देने के वास्ते ही रह गए थे। शहर हैदराबाद में हालिया कुछ कत्ल की वारदातों में कब्रिस्तानों की जगहें समाज के सामने आई हैं, जो कि सुनसान जगहें हुआ करती हैं। वहां कोई आईनी शाहिद नहीं होता, इसीलिए शायद गैर समाजी अनासिर ने अपनी कारस्तानियों के लिए कब्रिस्तानों को चुना है। और भारत के कानून को तो सबूत चाहिए, चाहे वो इंसानी शहादत हो या फिर किसी सीसी कैमरे की फोटो। बाज दफा तो सीसी कैमरास की शहादत को भी नजरअंदाज करके मुजरिमों को बहाल कर दिया गया। वैसे भी मुल्क में बहुत सारी ऐसी शहादतें भी मौजूद हैं कि पैसे और ताकत के बलबूते पर बाज मुजरिमीन ने अपने चश्मदीद शहादतों को भी खत्म करके क्लीन चिट हासिल कर ली और बरी हो गए। सवाल मुजरिम का नहीं बल्कि जुर्म का है। सारी दुनिया में इस्लाम ही अमन का मजहब माना जाता है और अगर इसका मानने वाला सबसे बड़े जुर्म कत्ल का मुर्तकिब होता है तो फिर सवाल पैदा हो सकता है, क्या वो मुसलमान कहलाए जाने के लायक है। हमारा मुल्क का कानून भी कुछ हद तक मुजरिम को बड़ी दिक्कतों से कुछ सजाएं देने की कोशिश तो करता है, लेकिन जुर्म को उसके अंदर से निकालने में नाकाम साबित हुआ है। बहरहाल मुल्क का निजाम चल रहा है, सब अपनी अपनी चाहतों में लगे हुए हैं और सभी लोगों के साथ समाज किधर जा रहा है इसका आज कोई पता नहीं है। और आज हमारे इस माशरे के मुतालिक हमारी ही जुबानों से आह निकल के रह जाती है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल PC और लैपटॉप 5-6 हजार के ऑफर्स में दस्तियाब, अलावा जी CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राबता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स
सेल सर्विस होलसेल एंड रिटेल विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। इंडियन एयरफोर्स ने आज दिल्ली में अपनी 25वीं सालगिरह मनाई। गाजियाबाद में वाकई हिडन एयरफोर्स स्टेशन पर हुकूमत के कई सरकर्दा हस्तियों के बीच जवानों ने अपनी करतबबाजी पेश की। एयरफोर्स के कई नए लड़ाकू तैयारों ने अपना मुजाहरा किया और हवाई करतबबाजी दिखाई। साथ ही पुराने हवाई जहाजों को भी नुमाइशी तौर पर पेश किया गया। बहुत देर तक लोग भारत की एयरफोर्स की ताकत का नजारा करते रहे। पीएम मोदी ने आज भरूच में नर्मदा नदी पर करोड़ों के बजट से बनाए जाने वाले बैरेज प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा और बताया कि इस प्रोजेक्ट की तैयारी के बाद आसपास के बहुत सारे इलाकों को इससे फायदा हासिल होगा। पीएम मोदी को आज सूरत के ओडना से बिहार के जयानगर के बीच शुरू की गई एक नई अंत्योदय एक्सप्रेस के इफ्तिताह के मौके पर बुला लिया गया। उन्होंने वहां पहुंचकर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया और इस मौके पर सभी को मुखातिब करते हुए कहा कि इस गाड़ी से उन लोगों को राहत मिलेगी जो छठ पूजा में शामिल होना चाहते हैं। गुजरात में इंतखाबी मुहिम के चलते 3 मियादों तक वहां के वजीर आला रहे पीएम मोदी ने आज वहां पर फिर एक रोड शो का अहतमाम किया। इसके बाद उन्होंने वादनगर में 500 करोड़ के बजट के एक नए सिविल हॉस्पिटल और एक मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह भी किया। मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली कल से 7 दिनों के लिए मुल्क छोड़ने वाले हैं। वो यूनाइटेड स्टेट्स जाकर IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग में हिस्सा लेंगे। साथ ही अपने दौरे के दौरान वो कई MNCs और फॉरेन इन्वेस्टर्स से मुलाकातें भी करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर श्री अमित शाह लगातार अपनी नजरें 2019 के इलेक्शन पर जमाए हुए हैं। केरला में उन्होंने एक सभा को मुखातिब करते हुए कम्युनिस्ट हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कम्युनिस्टों की फितरत में लड़ाई झगड़ा बसा हुआ है। हालिया कुछ RSS वर्कर्स पर तशद्दुद के सिलसिले में उन्होंने ऐसा बयान दिया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत वाले इलाकों में बीजेपी को अब आगे आने से कोई नहीं रोक सकता।